नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, साल 2021 में अगस्त के महीने को ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस महीने में सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जहां आत्मा और सरकारी कार्यों के कारक ग्रह हैं, तो बुध बुद्धि और संचार के कारक, वहीं शुक्र को भौतिकता और सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ सकता है, इसके बारे में हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। मेष राशि। इस महीने आप अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। हालांकि आपको भौतिक चीजों पर खर्च करने से इस महीने बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप आर्थिक समस्याओं से जूझ सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह माह काफी अच्छा रह सकता है। वृषभ राशि। इस राशि के लोगों को जीवन में सुख और संपन्नता इस महीने देखने को मिल सकती है। आप अपनी माता के साथ अपनी बातों को साझा करेंगे, साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके सहकर्मी भी इस महीने कार्य क्षेत्र में आपका साथ देंगे। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। इस महीने आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हालांकि अपने गुस्से पर इस माह आपको काबू रखना होगा। बेवजह के विवादों में फंसकर आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि। आपकी वाणी की मधुरता और देखभाल का रवैया आपको समाज और परिवार में नया मुकाम दिला सकता है। इसके साथ ही जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जीवन साथी से बातचीत करते नजर आएंगे। सिंह राशि। इस राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में मिले जुले फल मिलेंगे। करियर में नई दिशा आपको मिल सकती है। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, उनकी जॉब इस माह लग सकती है। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के प्रथम भाव में शुक्र के गोचर के चलते इनके व्यक्तित्व में आकर्षण देखा जा सकता है। विदेशी कारोबार से भी इस राशि के लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करें। तुला राशि। आपके द्वादश भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्र का गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इस महीने के अंत में आपको कोई तोहफा अपने किसी करीबी से प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना खासा अच्छा रहेगा। किस्मत का इस राशि के लोगों को साथ मिलेगा, जिससे बिगड़ते काम भी बन सकते हैं। अपनी उन ख्वाहिशों को इस राशि के लोग पूरा कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी तक आप केवल विचार करते थे। धनु राशि। इस राशि के लोगों के लिए यह माह नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आप यदि अपनी योग्यता को पहचानेंगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। मकर राशि। इस राशि के लोगों का मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में इस माह खूब लगेगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति इस राशि के लोगों को सावधान रहना होगा। यदि किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस महीने अपने खानपान का विशेष ख्याल रखने की आपको जरूरत है। कुंभ राशि। इस राशि के लोगों को वैवाहिक जीवन में इस माह शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी थी तो वह इस माह दूर हो सकती है। वहीं कुछ लोग विवाह के बंधन में भी इस माह बंध सकते हैं। मीन राशि। इस राशि के लोगों को अपने विरोधियों से इस महीने सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति से बचकर रहें, नहीं तो आपकी इमेज को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।